रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग का एक नया स्मार्टफोन आया जिसका नाम है सैमसंग A50s, जो कि आप सब जानते होंगे कि सैमसंग A50 आया था एक स्मार्टफोन, उसका ही अपग्रेड स्मार्टफोन है। तो चलिए इस स्मार्टफोन का रिव्यू करते हैं। तो कैसा है स्मार्टफोन, कितना फीचर के साथ आता है, कितना प्राइस के साथ आता है, कितना रैम है, कितना मेगापिक्सल कैमरा है, चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ फुल डिटेल्स। लेकिन अभी तक आप इस चैनल का फैमिली मेंबर नहीं बने तो फैमिली मेंबर बन जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस फोन के बारे में एक कमेंट करिए कैसा स्मार्टफोन है, कितना प्राइस में ठीक रहेगा स्मार्टफोन, और जाके हमारे इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो करिए। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर मेरा नाम है संदीप कुमार, आप देख रहे हैं टेक रिव्यू संदीप। तो चलिए स्मार्टफोन का हम डिस्प्ले से बात करते हैं। इस स्मार्टफोन में हमें मिलता है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको इन्फिनिटी व्यू डिस्प्ले का मिलता है, जो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है और देखने में काफ़ी अच्छा डिस्प्ले लगता है और काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन है। और बैक साइड में काफ़ी एक क्रिस्टल डिज़ाइन दिया हुआ है, जो कि ग्लास नहीं है, पॉली कार्बन है, बट स्टाइलिश जितना डिस्प्ले लगता है, काफ़ी स्टैंडर्ड डिस्प्ले देखने में लगता है। और मैं अगर इसकी रैम की बात करूँ तो 4GB रैम एंड 6GB रैम में आता है, जो कि 4GB रैम 128GB का स्टोरेज साथ एक आता है, 4GB का रैम 6GB का रैम 128GB स्टोरेज के साथ। प्राइस मैं लास्ट में बताऊँगा वीडियो को। तो चलिए आगे इस बारे में और जाते हैं। 4000mAh का बैटरी मिलता है, 15W का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि ठीक ठाक है। वही मैं अगर बात करूँ टाइप सी स्मार्टफोन में दिया है, सैमसंग का स्मार्टफोन में टाइप सी दिया है, सोचने वाली बात है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। और मैं अगर कैमरा की बात करूँ तो कैमरा में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। बैक में कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल, ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को स्मार्टफोन में मिलता है। 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, जो कि नॉर्मल फोटो क्लिक करेगा, उसके बाद 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल फोटो क्लिक करेगा, उसके बाद आता है 5 मेगापिक्सल, जो कि हमारा फोटो को ब्लर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया हुआ है ड्रॉप नॉच के साथ, काफ़ी अच्छा लगता है कैमरा, जो कि 32 मेगापिक्सल का सैमसंग स्मार्टफोन में दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है कैमरा के मामले में। प्रोसेसर के तो सैमसंग का प्रोसेसर, जो कि सैमसंग यूज करता है कई जगह पर, जिसका नाम है एक्सोनोस का 9611 का प्रोसेसर यूज़ किया, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर जो कि सैमसंग स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। ये जो स्मार्टफोन हमें देखने में लग रहा है, ये स्मार्टफोन का प्राइस मैं अभी कर दूँ बता दूँ, प्राइस अगर आप 4GB एंड 128GB स्टोरेज के साथ जाएंगे तो 9,999, अगर आप 6GB और 128GB स्टोरेज के साथ जाना चाहते हैं तो 24,999 का प्राइस। प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो प्राइस अगर 20,000 या 19,000 आता तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन रहता, लेकिन प्राइस थोड़ा हाई है तो क्या करें, सैमसंग का स्मार्टफोन और सैमसंग का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो इतना प्राइस मामूली सा बात है। और जाके आप स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा हमें यह स्मार्टफोन लगा, 3.5 का जैक भी दिया हुआ है। स्मार्टफोन के मामले में ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 16 तारीख से इसका सेल फ्लिपकार्ट पर चलेगा, तो अब जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।